राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के प्रतिष्ठित गलता पीठ के महंत को गद्दी से हटा दिया है। वहीं मंदिर की संपत्तियों और मूर्तियों की देखरेख के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। पीठ की संपत्तियों के विवाद की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि गलता पीठ ना तो किसी की जागीर है और ना ही महंत की गद्दी किसी को विरासत के आधार पर दी जा सकती है। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। जयपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलता पीठ की संपत्तियों के विवाद के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पीठ को मौजूदा महंत अवधेशाचार्य को पद से हटा दिया है। वहीं राज्य सरकार को मंदिर की मूर्ति और संपत्तियों का संरक्षक बताते हुए मंदिर की देखरेख के लिए नए सिरे से महंत की नियुक्ति का आदेश दिया है। बता दें कि रामोदाचार्य के निधन के बाद उनके बेटे अवधेशाचार्य ने खुद को महंत घोषित किया था। इसी के साथ गायत्री बिल्ड स्टेट के नाम से एक कंपनी का गठन हो गया। ये कंपनी पीठ की संपत्ति पर होटल, गेस्ट हाउस, बार, पब, कैसीनो व रेस्टोरेंट का संचालन करने लगी। ऐसे हालात में स्थानीय लोगों ने अवधेशाचार्य के महंत बनने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए देवस्थान बोर्ड में शिकायत दी। वहीं देवस्थान बोर्ड ने भी देखा कि तीर्थस्थल की संपत्तियों पर होटल व रेस्टोरेंट खोले गए हैं और मांसाहार परोसा जा रहा है, इसलिए बोर्ड ने संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। इसके विरोध में महंत अवधेशाचार्य को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि गलता पीठ की संपत्तियों और मूर्तियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गलता ठिकाने को किसी की जागीर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने गलता पीठ की संपत्ति पर होटल चलाने को गंभीर माना है। अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गलता पीठ का विकास महाकाल और श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी।